अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। नाज़रीन, हर खबर की खबर रखने के लिए हम आपको बाखबर रखने के लिए हम खबर पेश करते हैं और हमारे इस खबरनामे को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाईटेक इस्लामिक हाई स्कूल जहांगीर नगर तलापकट्टा में आज एक अजीमुलशान इस्लामिक एक्सपो का अहतमाम किया गया। तमाम ज़िम्मेदारान स्कूल, मदरसा और तमाम जो है तलबा व तालिबात को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ऐसे काबिल तहसीन इकदाम होने चाहिए। इसकी वजह क्या है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर दीन की इस्तेखामत, दीन का इल्म और दीन से मोहब्बत, बिलखसूस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत परवान चढ़ती है। ऐसे काबिल तहसीन इकदाम होते रहने चाहिए तमाम स्कूलों में। यही मेरा आज का पैगाम है। माशाल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाल्लाह, आज हाईटेक इस्लामिक स्कूल में आफ्टर जो है पेंडेमिक के बाद जो स्कूल्स खुले हैं, ये काबिल तहसीन बात है कि माशाल्लाह यहाँ के स्कूल इंतज़ामिया ने जो आज जश्न रहमतुल लिल आलमीन के मौके पर जो इस्लामिक एक्सपो इस स्कूल में रखा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ स्कूल के इंतज़ामिया को, डॉक्टर साजिद अली मोहम्मद साहब को, जनाब ख्वाजा सईदुद्दीन साहब को और दिगर स्टाफ को, कि माशाल्लाह इस तरीके का अगर हमारी नस्ल में, नौजवान नस्ल में, मुसलमानों के अंदर इस तरीके की अगर चीज़ें रहेंगी स्कूलों के अंदर, तालीम के साथ साथ दीन और दुनिया की तालीम के साथ साथ ये तरीके की अगर चीज़ें रहेंगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें यकीनन दीन और इस्लाम का दामन पकड़ कर चलेंगी। और जो बच्चों के जहन में, जो हमारी नस्ल के जहन में जो दीन का जो कॉन्सेप्ट बैठेगा, वो एक काबिल तहसीन बात है। तो इसी के साथ मैं अगेन मुबारकबाद देता हूं, मुझे बुलाने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं, क्योंकि इससे पहले भी मुझे मधु किया गया था, काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ था कि बच्चों के अंदर दीन का जज्बा भी दुनिया की तालीम के साथ दिया जा रहा है और ये जज्बा दिया जाना चाहिए और ये स्कूल की तकलीद हर स्कूल को करनी चाहिए, यहाँ के स्टाफ की तकलीद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की तालीम के साथ साथ जब जज्बा दीन हमारे बच्चों के अंदर पैदा होगा तो यकीनन वो लोग दुनिया की तालीम के साथ आगे चल के दीन का दामन भी पकड़ कर चलेंगे और उन्हें वो लोग भी अपनी आने वाली नस्लों को इसी राह पर चलाएंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट्स, जो कि 200 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट्स हुए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बच्चों का अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे परफॉर्म करे हैं। बच्चों में इंकरेजमेंट बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं हमारे पेरेंट्स का हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा हेल्प किया है, हमारे साथ साथ बच्चों का हेल्प किए। सबसे अहम बात यह है कि आज जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो हरामकारी बाहर जो लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर हाईटेक इस्लामिक स्कूल ये मैसेज देता है कि जो चीज़ हो दौरान, जो चीज़ हो अंदरून इस्लाम के अंदर हो, अगर कोई चीज़ बिगड़ती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि सही राह बच्चों पर गौर करें। और हाईटेक इस्लामिक स्कूल का एक एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, बच्चा अपने दायरे में ही रहेगा। और इंशाल्लाह मीडिएटर्स अवार्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए भी हम आप लोगों से सपोर्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सब जो है हमारे साथ जुड़ के रहिए। हाईटेक इस्लामिक स्कूल आपका साथ हमेशा रखेगा, आपका साथ हमेशा हाईटेक इस्लामिक स्कूल के साथ रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।